एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बड़े फोरहेड के लिए हेयर स्टाइल। तो मेरी एक व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका भी, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम मेरे फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो आप उसके लिए कुछ टिप्स एंड हेयर स्टाइल बताइए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे हेयर स्टाइल लेके आई हूँ। वीडियो आने वाली आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और फर्स्ट तो जैसे कि आपके फोरहेड बहुत बड़े हैं, तो पहले तो आप अपना ये फ्लिप्स कट करा लो, जो कि इस तरीके से तिरछे कट होते हैं। अगर आपको कट करना नहीं आता है या फिर आप बाहर कट नहीं करा सकते हो, खुद से कट करना है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। एंड जब भी आप हेयर स्टाइल बनाते हो तो फर्स्ट टिप्स तो आप अपना हेयर कट करा लो, जो कि आपके फोरहेड पे हमेशा, आप कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हो, एनीथिंग हेयर स्टाइल कुछ भी बना रहे हो अपने बालों के साथ, तो आपके फोरहेड पे हेयर होने चाहिए, जिससे कि आपका फोरहेड छोटा दिखे और आपका लुक काफ़ी अच्छा दिखे। और कभी भी आप पोनी बना रहे हो तो इस तरीके से फ्लैट पोनी नहीं बनाना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों पे ये चीज़ अच्छी लग रही है तो आप पे भी अच्छी लगेगी। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आपको इस तरीके से फ्लैट पोनी नहीं बनानी। ओके, आप देख सकते हो कितना गंदा लग रहा है ये। ओके, और जब भी आप हेयर स्टाइल करते हो या फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हो, तो अपने बालों को, सारे बालों को एक साइड में ले आइए इस तरीके से, और कोशिश कीजिए कि आपका जितना, जैसे साइड से ही मांग निकले ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, इस तरीके से करने से इंस्टेंट आपका जो फोरहेड है वो शॉर्ट दिखने लगता है। यहाँ से लेयर्स आप निकाल लो और उसके बाद आप फोटो वगैरह क्लिक करो, तो आपका जो फोरहेड है वो काफ़ी छोटा एंड सुंदर दिखेगा। और जो थर्ड हेयर स्टाइल होगा, आप जब भी थर्ड टिप्स में आप अपना हेयर जो भी हेयर स्टाइल बनाते हो, तो बीच की पार्टीशन मत कीजिए। बीच की पार्टीशन करने से आपका फोरहेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है, जिससे कि आपका लुक अच्छा नहीं आता है। इस तरीके से करके, इस तरीके से आप अगर हेयर स्टाइल बनाते हो तो बहुत अजीब सा दिखेगा, अच्छा नहीं लगता है। अगर फिर भी अगर आप मैरिड हो, आपको बीच का हेयर, बीच की मांग से ही हेयर स्टाइल बनाना है, तो आप पहले तो बीच की मांग निकाल लीजिए। फ्रंट से लेयर ज़रूर रखिए अपने फेस पे इस तरीके से, और बीच की मांग के साथ साइड से थोड़ा सा पफ बनाइए, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। और फोर टिप्स में आप अपनी जब भी, जैसे बिंदी हटाने पे हमारा फोरहेड बहुत बड़ा दिखता है, बिंदी को थोड़ा सा ऊंचा लगाइए, आपका फोरहेड इंस्टेंट थोड़ा सा शॉर्ट दिखेगा। ओके, तो ये तो थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने फोरहेड को छोटा एंड सुंदर दिखा सकते हो। मैंने आईब्रोज भी फील नहीं की है। अगर आपके फोरहेड बहुत बड़े हैं तो आईब्रोज आप इस तरीके से चढ़ा के बनवाइएगा, तो आपका जो फोरहेड है वो थोड़ा छोटा दिखेगा और आपका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये सारे टिप्स आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा आपके रूटीन में, डेली हेयर स्टाइल्स में, और अपने फोरहेड को कभी भी खाली मत छोड़िएगा। लेयर्स हमेशा फेस पे होने चाहिए एंड साइड फ्लिक्स कट करा लीजिए अभी से आप। तो जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा, अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। साइड पार्टीशन रखिए, बीच की पार्टीशन मत रखिए, फिर भी रखना है तो आप रख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया उस तरीके से। इस तरीके से बालों को लेके जाना है, हल्का सा ट्विस्ट करके इसको खींचना है, और यहाँ पे आप क्लिप की मदद से इसको टक कर लीजिएगा, जिससे कि आपका फोरहेड है वो थोड़ा सा शॉर्ट दिखेगा। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल लगा, खुले बालों के साथ आप कर सकते हो। गर्ल्स हैं तो ये सारे हेयर स्टाइल उनके कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बालों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपके फ्रंट पे, आपके फेस पे रहे इस तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, जिससे कि आपका फोरहेड थोड़ा शॉर्ट दिखेगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। जब आप सेकेंड हेयर स्टाइल बनाओगे, तो जैसे आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो मैंने बताया कि फ्लैट नहीं रखना है, तो आप अपना, जैसे अब जब पफ बनाते हो तो फुल हेयर ले लीजिए, ईयर टू ईयर पार्टीशन करके फुल हेयर ले लीजिए अच्छे से कॉम करके, हल्का सा ट्विस्ट करके बिग पफ बनाइए अपने फेस के साथ, एंड लेयर्स निकालने हैं। आप पहले ही लेयर्स इस तरीके से निकाल लीजिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, बाद में आप निकालोगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़ सकता है। तो ये साइड से मैंने लेयर्स ले लिए, दूसरी साइड से भी आप ले सकते हो। थोड़ा लॉन्ग लेयर्स लीजिएगा, जिससे कि आपका फोरहेड थोड़ा शॉर्ट दिखे।
अब यहाँ पे आप इसको क्लिप की मदद से टक कर लीजिए। मैं सिर्फ फ्रंट हेयर स्टाइल बता रही हूँ यहाँ पे बिग फोर इट्स के लिए, बाकी बहुत सारे बन एंड ओपन हेयर के हेयर स्टाइल मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड हेयर स्टाइल, जिससे कि आप अपने लुक को बिग फोर इट्स को थोड़ा शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल दिखा सकते हो। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया। ओके, तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में अगर जैसे कि आपको बीच की मांग निकालनी है, तो बीच की मांग के साथ बता देती हूँ कैसे करना है आपको। क्राउन एरिया से हेयर को लेंगे, ट्विस्ट करके पफ का लुक देंगे बालों में। सारे बालों को फ्रंट की साइड रखेंगे। अगर आपका जो हेयर स्टाइल है वो इस तरीके से पिचक रहा है, तो आप एक और क्लिप लेके इसके ऊपर लगा सकते हो, जिससे कि आपका पफ नीचे को नहीं जाएगा और ऊपर ही टिका रहेगा। जो आपने क्लिप्स लगाई है, जस्ट उसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस करके लगा दोगे, तो आपका जो हेयर स्टाइल है वैसे का वैसे रहेगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया बिग फॉरेस्ट के लिए। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल में फिर से बोल रही हूँ, आप बीच की मांग स्किप कीजिएगा, और नहीं तो जैसे मैंने बताया उस तरीके से हेयर स्टाइल कीजिएगा। तो जो हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल होगा, इस साइड से सारे बालों को एक साइड लेके आएंगे, यहाँ से उठा लेंगे और हल्का सा ट्विस्ट करेंगे ऊपर की तरफ, पुल करके क्लिप से सिक्योर करेंगे। तो ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल हो गया, जो कि बिग फॉरहेड पे सूट करेगा और अच्छा लगेगा। चलते हैं पांचवी हेयर स्टाइल की तरफ। यहाँ से थोड़ा सा फ्रंट का हेयर ले लेना है, इसको यहीं पे इस तरीके से सिक्योर कर दीजिए। अब बैक में एक बड़ा सा पफ बनाएंगे, चलते हैं पांचवी हेयर स्टाइल की तरफ। पांचवी हेयर स्टाइल में आपको अपना इस तरीके से फ्रंट से थोड़ा सा हेयर ले लेना है, एंड इसको आगे की तरफ इस तरीके से छोड़ देंगे, एंड बैक के हेयर को अच्छे से ईयर टू ईयर पार्टीशन करके बालों को लेना है और एक बड़ा सा पफ बनाएंगे इस तरीके से, ऊपर की तरफ बालों को लेके जाएंगे एंड ट्विस्ट करेंगे, आगे की तरफ पुल करेंगे। और आप इसको क्लचर, छोटे वाले क्लचर या फिर जो भी आपके बालों में अच्छे से टिकता हो, क्लचर क्लिप्स जिससे भी आपको बनाना है उससे आप बना सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल। तो यहाँ पे मैं छोटा वाला क्लचर यूज कर रही हूँ। ओके, तो ये क्लचर मेरे बालों के हिसाब से बहुत छोटा है, जो कि बालों में टिक नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे एक क्लिप भी ऐड कर दूँगी जिससे कि अच्छे से ये होल्ड हो जाए मेरे बालों पे। इससे बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा क्लिप ले लो, या फिर आपके बालों में अगर आ जाता है तो आप यही क्लचर लेके यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा पाँचवा हेयर स्टाइल, जो कि
पांचवे हेयर स्टाइल का फाइनल लुक अभी नहीं दिखाया मैंने, तो वो दिखा देती हूँ। अब आपको ये वाला जो आपका हेयर है इसको सिंपली बैक साइड में लेके जाएंगे, साइड से इतने हेयर छोड़ देंगे और इसको ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो क्लिप भी लगा सकते हो, चाहो तो इस तरीके से ईयर के पीछे लगा के छोड़ सकते हो। और ये हो गया हमारा पांचवा हेयर स्टाइल जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर बिग फोरहेड है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए। और मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं, स्टाइलिश हैं, इजी हैं, जो कि डेली बेस पे आप गर्ल्स हैं तो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको मेरी वीडियोस के थ्रू। तो आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कीजिएगा और आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा और हेल्पफुल लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, वहाँ पे मेरी कॉमेडी एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोज देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए ये पांच हेयर स्टाइल थे जो कि बिग फोरहेड पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एंड इजी तरीके से आप बना लोगे। फ्रंट हेयर स्टाइल थे, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, दूसरे चैनल पर जरूर जाइए जिस पर मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।